फिनटेक फर्म भारत पे के को फाउंडर और रियलिटी शो शार्क टैक इंडिया के पूर्व जज अश्नीर ग्रोवर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। वे अपनी पत्नी माधुरी जैन के साथ अमेरिका जा रहे थे, लेकिन दोनों को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रोवर अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी चेकअप के दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। ग्रोवर और जैन को गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया। अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा ने इन दोनों के खिलाफ पिछले हफ्ते लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसी के आधार पर इन्हें एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर फ्लाइट्स में सवार होने से रोका गया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस EOW सिंधु पिल्लई ने बताया, उन्हें अपने दिल्ली आवास पर लौटने और अगले सप्ताह मंदिर मार्ग स्थित EOW के ऑफिस में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। लुकआउट सर्कुलर का इस्तेमाल एयरपोर्ट अधिकारी यह जांचने के लिए करते हैं कि यात्रा करने वाला व्यक्ति कानूनी एजेंसियों की ओर से वांछित है या नहीं। लुकआउट सर्कुलर जिस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है वह देश के बाहर नहीं जा सकता। इसी के चलते ग्रोवर दंपत्ति को एयरपोर्ट पर रोका गया। एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, इंडिया में क्या चल रहा है, फिलहाल तो अश्नीर को एयरपोर्ट पर रोका गया चल रहा है। जनाब भारत में क्या हो रहा है, इस समय अश्नीर को एयरपोर्ट पर रोका गया ट्रेंड कर रहा है सर। इसके अलावा ट्वीट में उन्होंने मामले से जुड़े कई तथ्यों का जिक्र किया। भारत पे ने पिछले साल 17 गड़बड़ियों के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसमें गबन, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल थे। भारत पे की तरफ से दर्ज मामले के मुताबिक ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ने 8 ऐसे वेंडरों को 7.6 करोड़ के पेमेंट्स की अनुमति दी, जिन्होंने कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय की भर्ती में कोई मदद नहीं की थी। कंपनी का दावा है कि जैन और उनके परिवार के सदस्यों ने न सिर्फ ऐसे फर्जी लेनदेन को बढ़ावा दिया, बल्कि इन 8 वेंडरों के जैन परिवार के साथ करीबी संबंध भी थे। कंपनी ने अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दीवानी मुकदमा भी दायर किया है।